हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी का तीसरा महीना में आपका बच्चा कितना बड़ा हो जाता है, आपके बच्चे में क्या क्या बदलाव नज़र आने लगते हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में पहुँच चुके हैं या फिर पहुँचने वाले हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कराना, बहुत ज़्यादा थकान होना, ये प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में जब आप पहुँचते हैं तो ये काफ़ी हद तक कम होना स्टार्ट हो जाता है और चौथे महीने तक कई प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये बिल्कुल ख़त्म भी हो जाता है। और कई प्रेग्नेंट लेडी में अगर 1-2 महीने में अगर बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही होती है तो तीसरे महीने तक आते आते बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तीसरे महीने में जब आप प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में जब आप पहुँचते हैं तो आपको यूरिन ज़्यादा लगने लगता है। पहले की मात्रा में इस टाइम पे आपको यूरिन बार बार आपको लगेगा, हर आधा घंटा, हर 20 मिनट या फिर हर 10-15 मिनट में आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपको यूरिन पास करना है। पानी पीना आपकी पूरी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। ये आपके बच्चे के लिए भी हेल्दी होता है, आपके लिए भी पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जब से आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो आप अपने शरीर में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा लें ताकि आपके बच्चे का ग्रोथ, बच्चे का वेट और बच्चे का माइंड का डेवलपमेंट, बॉडी का डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो। वजन में बड़ा होने लगता है, एक नींबू की साइज का हो जाता है, इससे यूट्रस पे दबाव डालने लगता है। इसकी वजह से भी कई बार आपको ज़्यादा यूरिन की समस्या होने लगती है। और लास्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा होता है कि आपको पॉटी भी ज़्यादा लगने लगता है, तो ये साइन होता है उस टाइम पे जाने के बाद कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। अगर आपको फॉलिक एसिड ज़्यादा लेना है, आपको फ्रूट्स ज़्यादा लेना है, वेजेस ज़्यादा लेना है, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और बेबी के ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है और आपके सीने में भी जलन नहीं होगा, इससे आपको कोई कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पूरी प्रेगनेंसी में एक फ्रूट या दो फ्रूट डेली का ज़रूर लें। आपको प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में, क्योंकि आपका बच्चा बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपके पेट का साइज भी बड़ा होने लगता है। साथ ही साथ आपके पेट के निचले हिस्से में काफ़ी मात्रा में दर्द भी रहने लगता है। कभी कभार आप ज़्यादा देर तक खड़े रह रहे हैं या फिर आधा घंटा आप वॉकिंग कर रहे हैं या फिर लगातार आप काम किए जा रहे हैं, तो इस टाइम पर आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। इस टाइम पे आपको अपने सोने का पोजीशन भी देख लेना है कि आपको पेट के बल नहीं सोना है, आपको पीठ के बल नहीं सोना है। आप सो सकते हैं लेफ्ट या राइट, ज़्यादातर आप कोशिश करें कि आप लेफ्ट सोइए। अगर आप लेफ्ट, कई बार होता है कि सो के थक गए हैं तो आप राइट हो सकते हैं, या लेकिन प्रेगनेंसी में कहा जाता है कि आपको लेफ्ट सोना ज़्यादा पसंद आता है, आपको लेफ्ट ज़्यादा सोना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे जब आप लेफ्ट सोते हैं बेबी के पास अच्छी मात्रा में ब्लड का फ्लो और पानी का फ्लो अच्छी मात्रा में जाता है, तो आपको लेफ्ट करवट होकर ज़्यादा देर सोना चाहिए। दिन भर में 1 घंटे का रेस्ट जरूर लेना है, चाहे वो आप अपने काम ख़त्म करने के बाद ले, खाना खाने के बाद ले, 1 घंटे का आपको रेस्ट जरूर से ज़रूर लेना है। इस टाइम पे बेबी भी रिलैक्स हो पाता है, बेबी का हलचल आप महसूस कर पाएंगे, क्योंकि अब जब शांत में होते हैं तो बेबी का हलचल बहुत अच्छी मात्रा में आपको समझ आता है और बेबी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि उसके पास पानी का फ्लो, ब्लड का फ्लो बहुत अच्छी मात्रा में जाता है। उसका डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 1 घंटे का रेस्ट जरूर। प्रेगनेंसी का तीसरा महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, तो ये सारी बातों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्सअप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को, और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।